के आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर केएस प्रताप कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश पीएसी पद से जुड़े हुए सभी अधिकारी, सभी कार्मिकगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश पीएसी की स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पीएसी पद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश पीएसी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। ₹17 दिसंबर 1947 को मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके पीएसी किया गया और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस प्रोविजनल आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत इसका विधिवत गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पीएसी के लगभग 40,000 कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और पूरी तत्परता से निर्वहन करते हुए राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल सभी प्रकार के धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने में अति विशिष्ट महानुभावों के प्रदेश के कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ सुरक्षित संपन्न कराने, प्रदेश में एसटीएफ में कमांडो ड्यूटी, एटीएस में कमांडो ड्यूटी, यातायात पुलिस ड्यूटी, यूपी 112 पीआरबी में पायलट ड्राइवर ड्यूटी, प्रतिसार निरीक्षक ड्यूटी, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी ड्यूटी समेत प्रदेश के अंदर एसएसएफ, एसडीआरएफ जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जहां पर पीएसी के जवान बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी भी बल की छवि उस बल के जवानों के शौर्य और पराक्रम से ही उनकी कीर्ति निर्मित होती है और उत्तर प्रदेश पीएसी का इतिहास
इस दृष्टि से सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब जानते हैं जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों के इस पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उन सभी हमलावरों को और बहादुर जवानों ने अपने स्वर और पराक्रम से मार गिरा करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था। यही नहीं, देश की आस्था के प्रतीक से राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला हुआ था तब भी उस हमले को निष्फल करने का कार्य उत्तर प्रदेश पीएसी ने ही किया था और उनके मंसूबों को ध्वस्त करने का काम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली कार्यों और प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने में किए गए अप्रतिम योगदान को भी बहुत संकीर्ण सोच के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। हम लोग आज भी इस बात को देखते हैं कि कहीं देश के अंदर कहीं कोई उपद्रव होता है, कोई चुनाव की ड्यूटी की बात होती है तो लोग उत्तर प्रदेश पीएसी की डिमांड करते हैं, लेकिन उस कुत्सित सोच का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में पीएसी की 46 ऐसी कंपनियों को जो प्रदेश के अंदर यहां अपना योगदान देती थी उन्हें समाप्त किया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए उनके नेशन फर्स्ट के उनके अभियान को देखते हुए आज प्रदेश में पीएसी के कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतः क्रियाशील हो गई हैं और जिसमें पीएसी के वर्तमान में 41,893 आरक्षी और 698 प्लांटून कमांडरों की भर्ती भी इस दौरान हमारी सरकार ने पूरा करते हुए पीएसी में पदोन्नति के भी अधिक अवसर उपलब्ध हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3,558 मुख्य आरक्षी और 12,774 आरक्षियों को भी प्रोन्नति प्रदान की गई। हम सब जानते हैं कि आरक्षी के पद में सीधी भर्ती की कार्रवाई वर्तमान में भी प्रचलित है जिसमें 10,584 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। पीएसी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों एसएलआर एवं साहस राइफल, तारतंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी से लॉन्चर, एंटी राइड गन व टीयर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएसी जवानों की दैनिक उपयोग को उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन,
और पीएसी बहानी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनके परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर करने क्रय हेतु भी प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की है। इसके अलावा पीएससी के जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएससी की 33 में से 31 वाहनियों में उनकी आवासीय सुविधा हेतु पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहनी में 200 जवानों के लिए आवासीय बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। प्रदेश के अंदर राज्य आपदा मोचन दल बल की भी एसडीआरएफ की भी एक बटालियन का सृजन किया गया है, जिसमें 6 कंपनियां और 18 टीमें शामिल हैं। इनमें से 3 कंपनियां अर्थात 9 टीमों को क्रियाशील भी कर दिया गया है। शेष 3 कंपनियों को शीघ्र क्रियाशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अतिरिक्त कंपनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स और अन्य जितने भी इक्विपमेंट हैं, इसके लिए भी राज्य शासन ने आवश्यक धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है। बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान कई मौकों पर पीएसी के जवानों ने जान माल की भारी क्षति को बचाया है। इस वर्ष पीएसी के बाढ़ राहत टीम और एसडीआरएफ के अथक प्रयास परिश्रम से 175 बच्चों समेत 1008 लोगों को उनके पशुओं के अमूल्य जीवन की रक्षा के साथ ही 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में योगदान दिया है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से सभी जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके हितों को सदैव प्राथमिकता पर रखी है और आपकी व्यवसायिक दक्षता, आपके कार्यों की गुणवत्ता और कल्याण और आपके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि संवेदनशील तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और मैंने स्वयं भी गृह विभाग को इस बारे में कहा है कि अगर
पदोन्नति में कहीं कोई विसंगति है, एक समय सीमा के अंदर उस विसंगति को दूर करते हुए हमें इस उत्कृष्ट बल के मनोबल को बनाए रखने और जवानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और पदोन्नति देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और ये कार्यक्रम यथा शीघ्र हम लोग घोषित करेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर से जब पीएससी अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरा करके 77 वर्ष पूरा कर चुकी है, उन स्थितियों में हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय के लिए जब ये देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा तो संजोग से वही वर्ष उत्तर प्रदेश पीएससी स्थापना का 100 वर्ष पूरा होगा। शताब्दी वर्ष के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश पीएससी को आगे बढ़ना है और इस रूप में जिसमें सौर और पराक्रम के साथ साथ व्यवसायिक दक्षता में अपने आप को तैयार करना, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस दिशा से उत्तर प्रदेश पीएससी बल अपने आप को तैयार करेगा। आपकी इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पीएससी बल के सभी अधिकारियों और सभी कार्मिकों को उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। कृपया निवेदन है कि पीएससी परिवार की तरफ से